गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक ओर जहां शहर को स्वच्छ बनाते हुए सजाया संवारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दुमका नगर परिषद के सफाई कर्मी ही शहर के सड़े गले कचरे को घनी आबादी के बीच फेंक रहे हैं, जिससे यहां रह रहे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आपको बता दें कि कचरे के निस्तारण के लिए नगर परिषद को लाखों रुपए का बजट आता है, बावजूद इसके कचरे को जहां तहां फेंक कर नगर परिषद अपनी खाना पूर्ति कर लेती है। कचरे की वजह से यहां रह रहे लोगों में कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ गया है। यहां तक कि इनसे निकलने वाली विषाक्त गैसों से लोगों को सांस लेने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस बारे में हमारे संवाददाता बीरेंद्र झा ने नगर परिषद के अधिकारियों से बात करनी चाही तो दुमका नगर परिषद के अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि यहां रह रहे लोगों ने अपना दर्द जरूर बयां किया। जा रहे हैं ताकि उससे काफी गंध हो रहा है, दुर्गंध से परेशान है लोग यहाँ पे। नगर परिषद में आप लोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? सर वो लोग बस आश्वासन देते हैं, हर जो भी है पिछले साल से आश्वासन ही हम लोग सुन रहे हैं। SDO साहब आए वो भी आश्वासन देके चले गए। नगर पालिका में हम लोग कितने बार गए, लिखित भी दिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बोलते हट जाएगा हट जाएगा, ये हट कब जाएगा ये पता नहीं चलता है। तारीख पे तारीख चल रहा है, सिर्फ 6 महीना 3 महीना का समय मांगा जा रहा है, लेकिन आज तक कोई उठने का इसमें सवाल ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर से कूड़ा हटा दें। लोग परेशान है, गंभीर बीमारियों से लोग परेशान है, श्वास लोग नहीं ले पा रहे हैं, मृत मवेशी यहाँ पर फेंके जा रहे हैं, उससे लोगों को जीना दुश्वार हो गया। लोग अपने अपने घरों में खिड़की को बंद करके रखते हैं, बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं, दुर्गंध से इतना परेशानी लोगों को हो रहा है, आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कूड़ा से देखिएगा आप, काफी धुआं आपको उठते हुए नजर आएगा, जहरीली धुआं, उस आग है, हवा चल रही है, आग मान लीजिए किसी के घर में लपेटा चला गया, किसी घर में भी आग लग सकता है। हम लोग कितने बार आपका फायर ब्रिगेड वाले को फोन करके बुलाएं, वो भी असमर्थ जता देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, इतना ऊंचा पहाड़ है, कैसे हम आग को बुझाएं। वो भी आते हैं घूर के चलाते हैं, कई हमारे मोहल्ले में करीब 3 से 4 बार फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर पल्ला झाड़ के चल देते हैं, बोलते हैं आपके इतना ऊपर में पहाड़ बना हुआ है, कचरा है, हम लोग पाइप नहीं जाएगा, वो भी मना करते हैं। आप ही बताइए, अब जैसे ठंडे मौसम आ रहे हैं, आग के लपटे उठेंगे, किसी घर में चले जाएगा आग, किसी घर में आग लग जाएगा, जान माल की क्षति होगा, प्रशासन है कहाँ? इसका जिम्मा कौन लेगा? प्रशासन है कहाँ? आखिर क्या यहाँ पे कोई घटना, बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद ही प्रशासन कहाँ खुलेगा? गांधी जयंती के अवसर पर हर समारोह में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन दुमका में तो नगर पालिका जिसके ऊपर पूरे सफाई का जिम्मा है, वही यहाँ के बस्तियों में कूड़ा करकट फेंक कर यहाँ के लोगों का जीवन दुश्वार करने में लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर भी यह कुछ सबक लेकर यहाँ के लोगों को इस गंदगी और बीमारी से निजात दिला पाता है या नहीं। पंजाब के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।